चलिए ठीक है। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में काफी महत्वपूर्ण चीज पे बात कर रहे हैं, जो एनर्जी के सेंस में। ये काफी अच्छा आर्टिकल है, आसान है, और हेडिंग डालिएगा एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोन मोशन कर रहा है, तो उसका मोशन कैसे स्टडी किया जाए? तो लेट अस कंसीडर हाँ अ पार्टिकल ऑफ मास एम, ऑफ मास एम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। सपोज इट्स ए क्वेश्चन बी, इट्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आप कहेंगे कल तो आपने वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिया था। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जी तुम एसएचएम जब हमने कल बात की थी तो मैंने एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लिया, तुम वाई एक्सिस पे ले सकते हैं, किसी पे भी प्रोजेक्शन लो, कहानी तो एक ही होनी है ना। एक राउंड में अगर प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में लोगे तो एक्स एक्सिस में एक चक्कर इधर को लगेगा, एक इधर को। अगर प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में ले रहा हो तो एक चक्कर इधर को लगेगा, एक इधर को। क्लियर है या नहीं? यस सर, तो उससे कोई यस फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ड्राफ्ट ड्रॉ करना आपके लिए आसान होगा, तो आपके लिए कर रहा हूं मैं। तो ये डेरिवेशन मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो जब एग्जाम दोगे तब सोचिएगा। तो वेलोसिटी अगर निकालनी है, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वेलोसिटी भी डी एक्स बाई डी टी भी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। तो वी इक्वल टू ए ओमेगा क्रॉस ओमेगा टी। ठीक हो गया। तो अब हेडिंग डालिएगा काइनेटिक एनर्जी का। पहला ये अलग अलग करके करेंगे, हम तीन हेडिंग करेंगे, एक काइनेटिक के लिए, दूसरा पोटेंशियल के लिए, और तीसरा टोटल एनर्जी के लिए, और तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग ई सफिक्स में के फॉर काइनेटिक, और हम जानते हैं कि वो हाफ एम बी स्क्वायर होती है। भाई इसमें क्या बड़ी बात है, एम हो गया और बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। हम इसको फिर कर लेते हैं, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा पहले भी कर दिया शायद मैंने, मुझे ध्यान नहीं आया। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्लोज कर लेते हैं। लेट अस टेक, हम लोग बाद में लेंगे इसको, के अपॉन एम को हम ओमेगा स्क्वायर मानते हैं एक्चुअली। तो यहां से यह हो गया कि जहां पर एम ओमेगा स्क्वायर लेना था वो के हो जाता है, बेसिकली फोर्स कांस्टेंट आ जाता है डायमेंशनली, उसके बराबर होता है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इक्वल टू हाफ के टाइम्स
a square minus x square. Clear है? Yes. Yes sir. तो जब x से जीरो ले लोगे तो x से जीरो होने पर kinetic energy maximum हो जाएगी ना? क्यों भाई मैक्सिमम कब होगी? काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ के तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो चीजें कम हो जाती है या नहीं? यस सर। तो जब सब्ट्रैक्ट ही ना करें तो मतलब एक्स से जीरो रखते तो सर मैक्सिमम हाँ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फिर? हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ये आप सबसे ऊपर वाली लाइन से भी सोच सकते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए बच्चों, उसमें हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, क्रॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अरे भाई साइन और क्रॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? नॉर्मल क्रॉस मैक्सिमम वन होता है, तो उसमें मैक्सिमम ई के ट्रिग्नोमेट्रिकली कितना आ जाएगा? सोचिए हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर को आप के मान रहे हैं, तो के स्क्वायर भी वहां से भी आ जाएगा। तो जब आप वैसे भी सोचो बच्चों, पेंडुलम को जरा ध्यान में रखो, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट इसीलिए किया था, पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, सपोज ये एक्स इक्वल टू जीरो है, तो सबसे तेज यहीं पर होता है या नहीं? झूला एक तरफ से जाएगा, तो सोचिए तो प्रैक्टिकली पार्क में झूला लग रहा है, आप किनारे तक खींच के ले गए और झूला, तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी इसकी? मेन इक्वल टू जीरो। यस तो मैक्सिमम अगर स्पीड होगी तो मैक्सिमम ही हाफ एम बी स्क्वायर में, एम तो फिर से वेलोसिटी है जो कम ज्यादा हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि अच्छा यहाँ पर मैक्सिमम होगी? इसीलिए मैंने वाई टी जो एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया आज जानबूझ के चीजें समझाने के लिए, वाई में भी समझाया जा सकता लेकिन वो तुम शायद रियलाइज ज्यादा यहाँ करोगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? अच्छा जब बिल्कुल किनारे पे जाओ, व्हेन एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी या नहीं? देखिए तो एक्स टी जो ए रखो इस एक्सप्रेशन में ऊपर वाले में यहाँ पर, या माइनस ए रखो एक्स टी जो ए टी बाय एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो आप ये समझिए प्लीज प्रैक्टिकली, एक्स इक्वल टू ए ये दूरी होगी और एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो लास्ट जो पॉइंट होता है वहां पर झूला रुक जाता है या नहीं पेंडुलम? यस सर। कोई चीज जब रुकती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए वहां पर? जीरो। तो आपको ये बात समझ में आई थी, यहाँ पर एंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और मिड पॉइंट पे मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी, बाकी किनारे से मेन पोजीशन तक बढ़ते हुए आएगी, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, फिर घटते जाएगी दूसरी तरफ और फिर लास्ट एंड पे जीरो, फिर उधर से आते समय बढ़ना शुरू हो जाएगी, मेन पे मैक्सिमम होगी, फिर कम होते जाएगी और इस एंड पे जीरो। एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है SHM में, जो झूला झूलने में बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस यस सर। अच्छा दैट इज particle stops at end points.
अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसा आएगा, जरा देखिएगा प्लीज। ये एक्स एक्सिस है, इसीलिए वाई की जो एक्स ले लिया था मैंने, और ये ग्राफ एनर्जी का होगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो बच्चों ये ग्राफ ऐसा आएगा, जरा देखिए तो। ओहो, बहुत अच्छा नहीं, मैक्सिमम यहाँ पर जाएगा और फिर ऐसा आएगा, ये वाला हिस्सा नहीं है, ग्राफ ऐसा आएगा। इट्स इक्वल टू ए पर जीरो, इट्स इक्वल टू माइनस ए पर जीरो, और इट्स इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ये कौन सी लाइन है, इट्स इक्वल टू मैक्सिमम कितना है यहाँ पर, इस लाइन का हाफ पर मैक्सिमम एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्यों, जरा ऊपर इक्वेशन को देखिए तो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस साइन के साथ है ना, तो पैराबोला जब पढ़ाया था तो डाउनवर्ड होता था, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा बच्चों, थोड़ा मैथमेटिक्स का बेस है। अगर कभी किसी कंपटीशन में पूछ लिया कि काइनेटिक एसएचएम में जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होता है वो ग्राफ कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बोलेंगे सर? डाउनवर्ड पैराबोला। वेरी गुड, तो अब इसे लिख भी लेंगे हम। बना लीजिए, लिख लीजिए, ड्यूरिंग एसएचएम एनर्जी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या बनता है? डाउनवर्ड पर। हाँ, वेरी गुड, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये बना, तो लिख लेते हैं, एट मेन पोजिशन कॉमा काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, and at end points kinetic energy is minimum, minimum that is zero. From end point to mean position काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज पैराबोलिकली, रीचेज मैक्सिमम एट मेन पोजिशन एंड देन डिक्रीजेज पैराबोलिकली तो किसी भी एंड से चलो, वही बात मैंने समझा दी है, बस इतना ही लिखना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी है ड्राफ्ट में, कोई दिक्कत आई कुछ भी समझने में तो बोलिएगा।
हो सकता है कि आपसे केवल काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछा जाए, तो आपका ये पूरा हो गया मेरे ख्याल से, और आपको महसूस भी हो रहा होगा एक्स्ट्रॉर्डिनेट लेने की वजह समझ में आई। आप चाहो तो कल के जो डेरिवेशन था उनमें भी एड्स लेके काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है ना? सब जो जहां वाई है वहां एड्स हो गया, क्या फर्क पड़ता है उससे? एड्स में पैराबोला और ये सब समझाना आसान है, अगर ये वाई में बनाता तो आप समझ रहे ये लेफ्ट या राइट को खुलता फिर। अब हम पोटेंशियल एनर्जी पे काम करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गया है आपको, तो पोटेंशियल पे काम करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग जब बात करते हैं तो एक्स क्या था? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी क्या हुई? dx upon dt, तो a omega cos omega t, तो acceleration क्या हो जाएगा? acceleration equal to dv by dt, yes, तो minus a omega square साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ठीक है ए साइन ओमेगा टी की जो एड्स रख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एड्स। मैं एक्सेलरेशन के लिए ए जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ सोचो तो सर? क्योंकि ए और माइनस है उसके एंड पॉइंट्स भी। हाँ वो यहाँ भी ऊपर ए आ रहा है ना, ये ए एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ भी ए है वो भी पतला, आपने ए से ए काट दिया, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा फिर जो इसको रिस्टोर करता है, वापस लाता है, खींचता है? रेस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। तो भाई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन क्या बताता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिएगा झूला झूलते समय बच्चों आप लोग क्या महसूस करते हैं, ध्यान से देखिए, जो महसूस करते हैं वही लिखना है। आप इस एंड पॉइंट से चले तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है और फिर ये ट्रम होते जाती है। ट्रम क्यों हो रही होगी वेलोसिटी? इसका मतलब एक ऐसा फोर्स लगा होगा जो आपको मेन पोजीशन की ओर खींच रहा होगा और आप जा रहे हैं इधर को, तो इस सेक्टर में वेलोसिटी ट्रम होती जाएगी, तभी तो यहाँ पर रुकेगा। अगर कोई रोकने वाला फोर्स ही नहीं है तो फिर स्पीड ट्रम क्यों हुई? फिर तो वही चलते रहेगी इनफाइनेटली। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो फिर ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जब आप राइट साइड हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, तो आपको मेन पोजीशन की ओर खींचने वाला एक फोर्स लगेगा, रिस्टोर करने वाला यही हुआ, और जब आप लेफ्ट साइड को जाएंगे तो ये मेन पोजीशन, ये हमेशा मेन पोजीशन की ओर खींचेगा आपको। आप मेन पोजीशन से राइट या लेफ्ट कहीं भी जाइए तो ये वो फोर्स है। लिखिए नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट ऑलवेज एड्स towards main position, towards main position। आप अगर राइट साइड को झूला ले जाते तो ये मेन पोजिशन की ओर खींचेगा, मतलब लेफ्ट की ओर, और अगर मेन पोजिशन से आप लेफ्ट को ले जाते हैं तो ये राइट की ओर खींचेगा। तो ये फोर्स हमेशा एड्स के माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है या नहीं है?
यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे आप इससे? देखिए नाउ डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ डी एक्स टेक इन मैग्निट्यूड ओनली मैग्निट्यूड, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा फिर? अरे भाई डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डब्ल्यू वर्क एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा सोचिए कहां तक? यस मुझे जीरो से एक्स तक लाना है, जीरो से एक्स तक। एक्स कोई आर्बिट्री पोजीशन है, अभी एंड पे नहीं ले गया। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर के लिट देंगे एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर की जो है ना के, यस एम ओमेगा स्क्वायर की जो हमने के लिख दिया है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये जो वर्क है यही पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सो ई पी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, हाफ क्रिएट्स स्क्वायर या हाफ के की जो आप एम ओमेगा स्क्वायर रखें, तो एम ओमेगा आपके टीचर्स ने जो पढ़ाया है आप उसी हिसाब से चल सकते हैं। अरे भाई बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो तो तो बेटा ये हाफ क्रिएट स्क्वायर है, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो रहा है या अपवर्ड पैराबोला है? तो ये भी पैराबोला। अच्छा यहां पर आप देखिएगा, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो ईपी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मेन पोजीशन पर जो झूला होता है वो मैक्सिमम स्पीड पर होता है, तो वहां पर सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक होती है, पोटेंशियल जीरो होती है। इसका मतलब दैट इज, इस बात को लिख देते हैं, एट मेन पोजीशन ऑसिलेटर, जो भी ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटर इज विद मैक्सिमम वेलोसिटी, हमने अभी पीछे पढ़ा है, सो ऑल एनर्जी एट मीन पोजिशन विल बी ओनली काइनेटिक, तो मीन पोजिशन पर सारी की सारी एनर्जी कैसी एनर्जी होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल क्या हो जाएगी वहां पर? सर जीरो। जी कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो सर। चलो फिर एंड पोजीशन पे देखते हैं। अब लिखिए एट एंड पोजीशन पोजीशंस लिखिएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो एक्स ए रखो या माइनस ए रखो, ईपी कितना हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर और ये
तो एंड पोजीशन पे ये रुक जाएगा तो सारी एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी? सर पोटेंशियल. दैट इज एट एंड पॉइंट्स ऑल एनर्जी विल बी पोटेंशियल. मेन पोजीशन पर सारी की सारी काइनेटिक. ठीक हो गया. तो अगर आप इस हाफ क्रिएट स्पार का ग्राफ खींचेंगे बच्चों तो ये ऐसा आएगा. ये झूले का ग्राफ नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एट से है. मतलब x इक्वल टू a पर मैक्सिमम और उतना ही यार इधर भी बनाना, ये ऊपर नीचे मत बनाना. x इक्वल टू माइनस a पर मैक्सिमम और x इक्वल टू जीरो पर. तो ये चिस्टा ड्राफ्ट खींच दिया मैथमेटिकली मैंने. ep इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर का ये जो ड्राफ्ट है. क्लियर है या नहीं है? यस यस सर. क्या होना चाहिए बच्चों? टोटल एनर्जी तो इक्वल टू ई काइनेटिक प्लस ई पोटेंशियल होना चाहिए या नहीं? यस सर. तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था ग्राफ काइनेटिक का और पोटेंशियल का हाफ. तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ क्रेज पर मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है टोटल एनर्जी. और टोटल एनर्जी इसके अलावा एट सीज और लिख सकते हैं. ये कांस्टेंट हुई ना बच्चों, क्या इसमें एट्स आया गई? नो सर. तो हर जगह पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी. मतलब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टोटल देखिए मैं तीनों का ग्राफ एट साथ ले रहा हूं. एक ग्राफ तो ऐसा ले रहा है, दोनों पर बराबर होना चाहिए था, मैं उतना अच्छा नहीं बना पाया. एक ऐसा होगा, आप दोनों तरफ बराबर बनाना भाई. सॉरी मैं दोबारा बनाता हूं. सेंस तो समझिए ना बच्चों, ये काइनेटिक का है ठीक है ना, सॉरी पोटेंशियल का है. तो फिर इसी सीध से उठेगा ना ये ग्राफ भी यहीं से, और देखिए यहां से उठेगा और इसी सीध में ऊपर तक जाएगा ये भी यहां पर, और यहां से नीचे आएगा उसी सीध में नीचे पहुंचेगा जहां पर ये पहुंचा था. अरे फिर अरे बना लेना, मतलब बात समझ में आ रही है. एट से इक्वल टू माइनस ए ये जीरो और एट से इक्वल टू ए ये एट्स था, ये आपके पास एनर्जी का है. तो बच्चों ये वाला किसका है? काइनेटिक का, और ये वाला पोटेंशियल का. और टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा? ये वाला, ये जो ये वाला ग्राफ है ये टोटल एनर्जी का है. तीनों एट ही में बना दिए, दो पैराबोला बनेंगे, तीसरा तो कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी. फिर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है ना. यस. तो यार मैंने तीनों आपको बताने की कोशिश की कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी
के एक्सप्रेशन और दोनों का सम कांस्टेंट, कांस्टेंट जितना मैक्सिमम काइनेटिक के बराबर या मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर। यहां पर कोई डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। बना लिया? यस सर। यस सर। चलो ठीक। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। एक्चुअली मुझे आज निकलना है फिर अल्मोड़ा काउंटिंग ड्यूटी के लिए, और इलेक्शन की ड्यूटी करने के बाद ही अब मैं लौटूंगा। तो मैं 10 तारीख को काउंटिंग अगर कल होती है तो शाम तक छूटेगी वो, हम रात 8 बजे तक बोला है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा द्वाराहाट, रात तक ही पहुंचने ही सोचूंगा। चाहे 11-12 बजे हैं तो हम 11 तारीख से स्टार्ट करेंगे। मैं मैसेज कर दूंगा। तब तक बेटा जितना पढ़ाया है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग चीजों को मेंटेन करें, रिवाइज करें, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सीरियसली पढ़िएगा जितना पढ़ा है, आप इंजॉय करेंगे अगर आगे को अगर मेंटेन कर पाए तो, और थोड़ा अपना खुद भी प्रयास करिए। थैंक यू। थैंक यू।